हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों बाद दोबारा से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल मैं आज आया हूँ। इंदल कहाँ है वैसे हम आज? एम्स झज्जर। ये हॉस्पिटल स्पेशल कैंसर के पेशेंट के लिए है, तो उसी के पर्पज़ के लिए मैंने आज की ये वीडियो बना रहा हूँ कि हॉस्पिटल आप देखिएगा। मैं आज किसी को मिलने के लिए आया था और हॉस्पिटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये हॉस्पिटल कैसा है और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रखी इन्होंने। आ जाए, इधर आ जाए। तो फिलहाल मैं सबसे पहले तो आपको दिखा रहा हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, ये आउट पेशेंट जो गेस्ट आते हैं और इनके रहने की व्यवस्था यहाँ आसपास कहीं नहीं है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट संस्था है, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है जिसमें 100 रुपीज़ से आपको बेड मिल जाएंगे। अच्छा, तो मतलब कहने का है जैसे जो भी पेशेंट आते हैं खाने का पर प्लेट 35 रुपीज़ खाने का मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 3 टाइम खाना मिलता है। अच्छा, मतलब जो भी पेशेंट होते हैं ना उनके साथ जो भी गेस्ट आते हैं। आसपास मार्केट नहीं है लेकिन यहाँ पे रहने की सुविधा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी बना रखी है और खाने की भी अच्छी सुविधा है और हाइजीनिक खाना और सिर्फ 35 रुपये में प्लेट है। 35 अनलिमिटेड होगी दोस्तों, अनलिमिटेड 35 रुपये में, क्योंकि आसपास के एरिया में ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ये हॉस्पिटल का आप नज़ारा देख लीजिए, कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल सिर्फ। और ये जो आप कैंसर पेशेंट के लिए, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये सिर्फ गेस्ट रूम है, मतलब कि जो पेशेंट के साथ लोग आते हैं ना, किसी को रहना है जैसे, तो वो यहाँ पर आकर 100 रुपये दे के पर पर्सन एक बेड के लिए पे करके आप वो यहाँ पर रह सकते हो। पूरा फुल्ली एसी है, खाना पीना सब कुछ मिल ही जाएगा आपको अंदर। तो आप इस फैसिलिटी का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी आगे चलो, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, इस हॉस्पिटल का पूरा लुक दिखाता हूँ आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप आगे देख लीजिए, ये है एमरजेंसी और यहाँ पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कैंसर एमरजेंसी, जो कि आप देख सकते हो कैंसर एमरजेंसी। आपको बैंक की सुविधा मिल जाएगी, एटीएम सुविधा मिल जाएगी, साथ में ही SBI का बैंक है। आपको कोई किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ेगी, इन केस कोई भी अगर दवाई आपको बाहर चाहिए तो यहाँ पर फार्मेसी अवेलेबल है। और जो दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट के तहत सस्ती मिलती है। और ये हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए है। ये देख रहे हो दोस्तों आप, ये पूरी बिल्डिंग ये सिर्फ गेस्ट रूम के लिए बनाई गई है, ये वाली पूरी बिल्डिंग। और इस फाउंडेशन ने बनाया है इसको, प्राइवेट कंपनी है इन्फोसिस जो कि इसका संचालन कर रही है। और यहाँ से इसका बाहर का एग्ज़िट, और ये हमारी देश की शान तिरंगा। अगर आप बाहर से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो आपको यहाँ पे पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी पार्किंग बना रखी है, सेफ़ पार्किंग। आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं जाने वाली है, बाइक की पार्किंग है, गाड़ी की पार्किंग है। और अगर आप बाहर से अगर किसी हॉस्पिटल से रेफ़र किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर बेड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर डायरेक्ट अगर आप आते हैं तब भी आपका बेड अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट आएंगे आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको बेड मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अगर आप घर में या कहीं भी ऐसा कोई पेशेंट नज़र आता है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। बेड के चार्जेस 35 रुपीज़ है पर डे के। एक बार यहाँ की लोकेशन जो है इंदल जी आप कंप्लीट बता दीजिए। लोकेशन अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो दिल्ली नजफ़गढ़ क्रॉस करने के बाद आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं NCI एम्स झज्जर। अच्छा, NCI मतलब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। एम्स की फुल फॉर्म आपको पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये दिल्ली की एक ब्रांच है जो कि हरियाणा में खुली हुई है। अच्छा, लोकेशन एग्जैक्टली है बाडसा गांव का नाम है बाडसा। तो बाडसा में पड़ेगा ये। तो यहाँ पे आप अपने पेशेंट को ला के, और काफ़ी अच्छी सुविधाएँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि भागम भाग या कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पर अपने पेशेंट को इलाज करा सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे सारे टेस्ट आपको मुफ्त हैं, बिल्कुल फ्री।
नॉमिनल चार्जेस होंगे जो कि आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें बेड का कुछ चार्ज होता है शायद हॉस्पिटल में कुछ? मैंने बताया आपको पहले 35 रुपीज़ है, 35 रुपए पर डे, 10 दिन का पैसा वो शायद जमा करते हैं। 10 दिन का, जैसे आपको लगता है कि पेशेंट 5 दिन में रिकवर हो जाएगा या 10 दिन में रिकवर हो जाएगा, वो इसी हिसाब से 10 दिन से या 5 दिन से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपसे वो फीस सबमिट करवा देंगे। अच्छा। अगर आपका पेशेंट अगर आपने पैसा 10 दिन का जमा किया है और आपका पेशेंट 5 दिन में रिकवर हो चुका है तो वो बाकी 5 दिन का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी सुविधा है। अच्छा, तो जी ऐसी ही जो है ये जहाँ पे लाखों लाख रुपए लग जाते हैं वहाँ पे 35 रुपीज़ बेड में आपको इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, डॉक्टर्स इतने अच्छे से बात करते हैं, नर्सेज इतने अच्छे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपको वहाँ आपने अच्छी जगह पेशेंट लाए हो, पेशेंट भी खुद रिकवर करना शुरू कर देगा। ऐसे सही कह रहे हो। एक्चुअली में क्या रहा है ना दोस्तों कि जिसको हम यहाँ पर देखने आए वो पहले मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर था, मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर था, उन्होंने 5 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छा बजट उनका बिठा दिया और फिर भी आई थिंक सो कि 5.38 5,38,000 रुपये का बिल, फिर भी उनको बीमारी समझ में नहीं आई तो वो जिनका पेशेंट है वो उन्होंने फोर्स किया यहाँ पे लेके आए वो, और अब उनका पेशेंट मार्च 2 या 3 दिन में ही अब अच्छी कंडीशन में आ गया, जबकि उसको ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में ही हालत है। अच्छा आप कर सकते हैं। और ये OPD है यहाँ की, ये OPD देख सकते हो, ये OPD डिपार्टमेंट है, ये बाहर के लिए एग्ज़िट है और ये आपको दिखा दिए कि यहाँ पर आप अगर गाड़ी से आते बाइक से आते तो आप यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं, सेफ़ पार्किंग है, हमने भी यहीं पर गाड़ी पार्क की अपनी। तो कभी भी किसी को भी पेशेंट को आपको लेके आना है तो आप इस जगह पर ज़रूर लाइएगा और इस सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बता दूं ये हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपके फैमिली में या आपके जानकारी में आपके रिलेटिव में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कैंसर की का अनुमान भी है कि उसको कैंसर हो सकता है, उसको आप ला के यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बेटर डॉक्टर बेटर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सबके पास जाए, इसके लिए आप ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।